हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। रिसेंटली क्लब की तरफ से कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग अपडेट आया है, तो गाइस चलिए क्या है वो अपडेट इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है वो है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जर्सी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जर्सी के बारे में पूछ रहे थे और मेरे पास नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के एक रेप्लिका जर्सी है जो मैंने मैच डे में खरीदा था। उस वक्त 50 से 100 रुपए के अंदर वो अवेलेबल थे, लेकिन अब फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्रीमियम क्वालिटी जर्सी ऑनलाइन में आ चुके हैं। जी हाँ, 656 ने रिसेंटली अपने वेबसाइट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जर्सी अपडेट कर दिया है। बहुत ही शानदार लुक है इसका और प्राइस भी नियरली 1500 रुपीज के करीब है। गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 656 के ऑफिशियल वेबसाइट से ये जर्सी आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक है, 8 States 1 यूनाइटेड का वाइब मिल रहा है जर्सी से। तो गाइस, इट्स फाइनली अप देयर फॉर यू टू गो एंड बाय। मूविंग अहेड टू अनदर न्यूज, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के रिजर्व टीम ने रिसेंटली डीमा यूनाइटेड एफसी के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला था और पेनल्टीज में टीम ने जीत हासिल किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि निखिल देका उस टीम में मौजूद थे। निखिल देका ने पेनल्टीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया और डीमा यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स को गोल देने नहीं दिया। गाइस, असम के फुटबॉल के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि फुटबॉल स्टेट में फाइनली हो रहा है। डीमा यूनाइटेड एफसी को भी इस मैच से बहुत ही एक्सपोजर मिला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेडियम में फुल हाउस स्पेक्टेटर्स थे। दैट मींस गाइस, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी अभी भी असम में बरकरार है और अब आने वाले समय में असम फुटबॉल एसोसिएशन इस पॉपुलैरिटी को बढ़ावा कैसे देंगे वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। Another news coming from North East United FC's camp is that North East United FC के head coach खालिद जमील बांग्लादेशी defender टोपू बर्मन के ऊपर interested थे, लेकिन आखिर में player ने ये move इनकार कर दिया। जी हाँ, बांग्लादेशी footballer टोपू बर्मन के पास North East United FC को represent करने का सुनहरा मौका था, लेकिन आखिर में जाकर ये deal नहीं हो पाया। हालांकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक साउथ कोरियन डिफेंडर के ऊपर इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक उस डिफेंडर के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। गाइस, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी किसको साइन करेंगे वो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।